हेलो बच्चों, क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर सेवन फ्रैक्शंस पार्ट वन। फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल भाषा में समझें तो आपके पास कोई भी एक पूरी चीज है, उसके आपने कुछ टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़ा उसका फ्रैक्शन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, द पार्ट्स शुड बी इक्वल। अगर हम बराबर बराबर पार्ट्स करते हैं तो हर एक पार्ट उसका फ्रैक्शन होता है। जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल है, उसके हमने चार पार्ट्स किए हैं और एक पार्ट कलर्ड है। दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग 1/4। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर वन, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। फर्स्ट वाले फिगर में आप देख रहे हैं, इस बड़े ट्राइंगल के अंदर चार छोटे ट्राइंगल्स है, जिसमें से दो ट्राइंगल्स कलर्ड है। दैट मीन्स द शेडेड पोर्शन इज 2/4। सेकेंड फिगर में आप देख रहे हैं, नाइन छोटे स्क्वायर्स है, जिसमें से एट कलर्ड है, सो इट इज 8/9। In the next figure, we see that out of 8 balls, 4 are colored. Iska fraction hua 4/8. Fourth part, is circle ke andar 4 parts banaye hua hai, usme se ek part colored hai. That means it is 1/4. 4 mein se ek part, that is 1/4. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास सेवन स्क्वायर्स है, जिसमें से तीन कलर्ड है, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/7। सिक्स्थ पार्ट में वी हैव 12 फ्लावर्स, जिसमें से तीन कलर्ड है, तो इसका फ्रैक्शन हुआ 3/12। मैंने अभी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ इसका हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बाद की एक्सरसाइज में सीखेंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट फिगर, इसमें हम देख रहे हैं कि 10 पेंसिल्स है और सबके सब एक जैसे शेडेड है। दैट मींस इट इज 10/10। नेक्स्ट फिगर में वी हैव 9 ट्राइंगल्स, आउट ऑफ दोज 9 4 आर शेडेड, इसका फ्रैक्शन हुआ 4/9। नेक्स्ट फिगर में वी हैव 8 पेटल्स, 8 पंखुड़ियां हैं, जिसमें से 4 में कलर्ड है, सो द फ्रैक्शन इज 4/8। टेंथ फिगर, दो पार्ट्स में से एक पार्ट आधा है कलर्ड, सो द फ्रैक्शन इज 1/8। क्वेश्चन नंबर टू, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। फर्स्ट, इस सर्कल के अंदर 6 पार्ट्स है और इसमें आपको 1/6 पार्ट कलर करना है, तो इन 6 में से कोई भी एक पार्ट हम कलर कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड फिगर में वी हैव टू कलर 1/4, तो इन चारों में से किसी एक ट्राइंगल को हम कलर कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड फिगर में 1/3, यहाँ 3 पार्ट्स है, इसमें से किसी एक पार्ट को हम कलर कर सकते हैं। फोर्थ, 3/4, इसमें सर्कल के अंदर 4 पार्ट्स है, उस 4 में से किन्हीं 3 को हमें कलर करना है। फिफ्थ, वी हैव अ स्क्वायर जिसके अंदर 9 छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं और फ्रैक्शन आपको दे रखा है 4/9, तो इस के अंदर कोई भी 4 स्क्वायर्स आप कलर कर सकते हैं। आई हैव टेकन दीस 4। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। फर्स्ट फिगर में दिस इज 1/2, सेकेंड फिगर दिस इज 1/4, थर्ड फिगर दिस इज 3/4। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम उसे फ्रैक्शन की कैटेगरी में कब रखते हैं, जब उसके पार्ट्स बराबर हो। इसमें ये पार्ट्स तो बराबर है ही नहीं, सो दिस इज द मेन एरर। हम इसे हाफ या 1/4 की कैटेगरी में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इसके पार्ट्स बराबर नहीं है। सो वी विल राइट द पार्ट्स आर नॉट इक्वल।
क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स? द गिवन टाइम इज 8 आवर्स और एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 8/24। 8 और 24 दोनों ही 8 से डिविजिबल है, तो हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट 1/3। सो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में फ्रैक्शन वी विल गेट द फ्रैक्शन 1/3। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स? नो दैट इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट्स और इसमें गिवन टाइम आपको है 40 मिनट्स, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी 40/60। इसमें भी 40 और 60 दोनों ही 20 से डिविजिबल है, तो हम अगर 20 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सो वी विल गेट 2/3 एज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज ब्रॉट टू सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। द अदर टू बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। ए, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर? आर्या को किस तरह से डिवाइड करना है कि तीनों को बराबर मिले, दैट मीन्स हर सैंडविच को उसे तीन टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, दैट मीन्स ही डिवाइड्स ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। बी पार्ट में आपसे पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव? क्योंकि सैंडविच के तीन पार्ट्स किए हैं और उन तीन में से कोई एक पार्ट एक लड़के को मिल रहा है, दैट मीन्स उसे मिल रहा है 1/3 ऑफ द सैंडविच। टोटल यहाँ पर 2 सैंडविचेस थे, तो टुकड़े कितने हुए? 6। 6 में से 2 पीसेस दे हैव बीन गिवन, सो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन नंबर 7, कंचन डाइज ड्रेसेस। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड? इसमें आपको दिया है कि कंचन के पास टोटल 30 ड्रेसेस थी, उसमें से 20 ड्रेसेस वो डाई कर चुकी है, तो हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन विल बी 20/30। 20 और 30 दोनों ही 10 से डिविजिबल है, हम 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिलेगा 2/3, दैट मींस 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क शी हैज ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? तो सबसे पहले हम 2 to 12 नेचुरल नंबर्स सारे लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। टोटल नंबर्स कितने हुए? 11। अब इसमें से प्राइम कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 and 11, यानी कि 5 प्राइम नंबर्स हैं। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी 5/11। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? इसमें भी सबसे पहले हम 102 से 113 तक सारे नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं, 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 and 113। इसमें नंबर्स है हमारे पास 12, इसमें से प्राइम नंबर्स हैं 103 107 109 and 113, यानी कि टोटल 4 नंबर्स, तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा 4/12। 4 और 12 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो आप चाहे तो इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपलीफाई करके ये बनेगा 1/3।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। इसमें आप देख रहे हैं टोटल 8 सर्कल्स है जिसमें से 4 में एक्स बना हुआ है। सो वी कैन राइट टोटल सर्कल्स इज इक्वल टू 8, सर्कल्स विद एक्स इज इक्वल टू 4, दैट मींस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 4/8। 4 और 8 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन बनेगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, शी बॉट 3 सीडीज एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट्स। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि उसने 3 सीडीज खरीदी और 5 उसे गिफ्ट में मिली, दैट मींस टोटल सीडीज आर 8। Out of those 8, 3 she has bought, 5 she has received. तो हम इसे fraction form में लिख सकते हैं. Fraction of CDs she bought is equal to 3/8. And fraction of CDs she got as gift is equal to 5/8. तो यहाँ पर हमारी exercise complete होती है. अपने अगले video में मैं आपको अगला topic explain करूँगी. Until then, bye.